हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर नीलम। अगर आज का आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए होता क्या है ना घर में कि कोई भी सामान या कोई पेपर या कोई चीज़ गुम जाती है तो आखिर में आके रुकती है मम्मी के पास। मम्मी आप ढूंढ के दे दीजिए, मम्मी कहाँ रखा है पता नहीं, मिल नहीं रहा है। या हस्बैंड जी रहेंगे तो वो भी हमें यही कहते हैं कि आप ढूंढ लो कहाँ पर रखा है पता नहीं है। तो बस मैं भी वही काम कर रही हूँ, एक पेपर खो गया है तो मैं उसे ढूंढ रही हूँ, कहाँ रखा है कुछ पता नहीं है। और सारी फाइलें मैं खोल खोल के देखती जा रही हूँ कि कहाँ पर है वो पेपर। तो पेपर तो नहीं मिला, लेकिन वक्त बीतता जा रहा था तो मैं खाने की तैयारी करने के लिए लग गई हूँ। मैंने अभी उसे साइड में रख दिया है, तो आटा गूँथ के उसकी लोइयाँ बना के तैयार कर दी। यहाँ पर सब्जी छोंकने की तैयारी है, तो जिसमें राई, जीरा, लहसुन, हींग पाउडर, हल्दी पाउडर डाल दिया है। और अभी ये प्याज और टमाटर को मैंने मोटा मोटा काट लिया है और अभी उसे मैंने तेल में डाल दिया है, क्योंकि चॉपर ख़राब हो चुका है इसीलिए थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा ही मैंने जल्दी जल्दी में काट लिया है, क्योंकि आज काफ़ी लेट हो गया है। तो अभी प्याज टमाटर जल्दी पक जाए इसके लिए मैंने इसमें नमक डाल दिया और ये कुकर का ढक्कन ही मैंने इस तरीके से ढक के रख दिया है। महीना जब भी पूरा होता है और दूसरा महीना शुरू होता है तो हमारे घर में राशन आ ही जाता है, हमारे क्या हर किसी के घर में आता ही है। तो बस हम लोग गाँव से आए, उसके बाद जो जो सामान की ज़रूरत थी मैंने उसका लिस्ट बना लिया है। तो थोड़ा थोड़ा करके सारा राशन, जो बच्चों के खाने पीने वाली चीज़ें जो है वो सारा थोड़ा थोड़ा करके अभी घर में हम लाते जा रहे हैं। तो ये बिस्किट थे, तो बिस्किट बच्चे लोग खाते हैं, हम भी खा लेते हैं कभी कभार चाय के साथ या कॉफ़ी के साथ, बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसका जो पैकिंग होता है ना, मैं फैमिली पैक ही मंगाती हूँ, तो बड़ी बड़ी सी जो थैलियों में पैकिंग होता है तो वो थैलियाँ मैं रख देती हूँ, वो कभी कुछ ना कुछ काम में आ ही जाती है। तो अभी मैंने दोनों बिस्किट के पैक खाली कर दिए हैं और उसे मैंने पैकेट साइड में रख दिए हैं। ये तेल भी आया था तो तेल को भी अभी मैं अपनी जगह पर रख दूँगी। और साथ ही साथ जो हम कठोर बनाते हैं, जैसे कि चने हो गए, छोले, जो पूरी दाल होती है ना वो वाले जो होते हैं वो भी लेके आए थे, तो उसे भी मैं बॉटल में थैली के साथ ही रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ का मौसम ऐसा है ना कि तुरंत उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। उसे कितना भी साफ़ रख दो लेकिन फिर भी वो ख़राब ही हो जाता है। तो ये काम मैंने ये सब्जी छोंकने के बाद कर दिया। तो देखिए काम पूरा होते ही यहाँ पर प्याज और टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, तो अभी इसके अंदर मैं लौकी और आलू डाल देती हूँ और इसे बहुत ही अच्छे से मिला देती हूँ। इसके बाद अभी इसमें सारे सूखे मसाले जो हमारे होते हैं, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला, नमक और थोड़ी सी चीनी, क्योंकि हम थोड़ा मीठा खाते हैं, तो चीनी डाल दी है और पानी इसमें मिला दिया है। और अभी इन सबको मैं अच्छे से मिला दूंगी। और ये जो प्याज है ना लंबे लंबे कटे, इसमें मैंने नींबू और नमक डाल के रहने दिया था तकरीबन 2-3 घंटे पहले, तो उसमें खटाई बहुत ही अच्छी खासी आ गई है। तो वो प्याज भी मैंने इसमें डाल दिए हैं और अभी मैंने कुकर का ढक्कन बंद कर दिया है और 3 विसल होने तक ये सब्जी को मैंने अभी पका लिया है। तो सब्जी देखिए हमारी पक के तैयार हो चुकी है और बहुत ही बढ़िया वाली ये सब्जी बन के तैयार हुई थी, खाने में बहुत ही टेस्टी बनी थी। कभी कभी होता है ना बहुत ही झटपट बनाते हैं तो खाना बहुत ही टेस्टी बनता है, हालाँकि मेरा जो खाना होता है वो बहुत ही टेस्टी बनता ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अभी ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, तो रोटियां बनी हुई थी और मैंने ये गोभी की सब्ज़ी, जो पत्ता गोभी होती है ना, उसकी सब्ज़ी बना ली है और चावल पकने के लिए अभी मैं रख दूँगी। और देखिए मैं यहाँ पर खड़े खड़े ही पानी पी रही हूँ, बैठने का टाइम नहीं था, तो बच्चों के क्लास होते हैं ना इस वजह से फिर बहुत ही जल्दी जल्दी सुबह करना पड़ता है। तो यहाँ पर गोभी की, पत्ता गोभी की जो सब्ज़ी है ना वो बन के तैयार हो चुकी है, तो मैं अभी उसे आखिरी बार मिक्स कर रही हूँ अच्छे से और टेस्ट कर लिया है सब्ज़ी कैसी बनी है, नमक कम ज़्यादा तो नहीं है ना। और अभी ये सब्ज़ी मैं एक बर्तन में ले लूँगी, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में फिर है ना अच्छी नहीं लगती है, काली काली सी सब्ज़ी हो जाती है। तो मैंने सब्ज़ी ले ली है और चावल भी तैयार है, तो अभी मैं सभी की थालियाँ परोस दूँगी, तो आप लोग भी खा लीजिए। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर ही पूरा करती हूँ, कल फिर से मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय।
ओ, 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 ओ